Hi my angels, welcome back to my channel and thank you so much for watching me again। So आज मैंने आप लोगों के लिए ये beautiful सी मुस्लिम ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट किया है और बहुत ही easy वे में मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट करने की कोशिश की है। So yeah, if you want to know how I create this look, then please keep watch my video till the end. And if you didn't subscribe to my channel yet, then please do subscribe my channel and also hit the notification bell so you will be notified whenever I upload. Now without further ado let's get start the video. So सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है पर्पल का ये प्राइमर। इसकी टेक्सचर थोड़ी सी सिलिकॉनी टेक्सचर है। सो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर हेल्प करती है आपके पोर्स को और फाइन लाइंस को ब्लर आउट करने में और ये प्राइमर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये रिजनेबल प्राइस में है। ऑल्सो ये वर्क भी बहुत अच्छे से करता है और आपके मेकअप को भी ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। सो आज मैं अपने ब्राउज से स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ किट। इसमें से जो ये वाइट कलर का वैक्स इन्होंने दिया हुआ है इसको लेके मैं अपने ब्राउज को पहले सेट कर रही हूँ उसके बाद ये जो लाइट ऐश कलर का शेड है इसको लेके मैं अपने ब्राउज को आउटलाइन करूँगी। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि किस शेप में आपको अपने ब्राउज को फिल करना है। जिस शेप में आप अपने ब्राउज को फिल करना चाहते हो उसी शेप में आप आउटलाइन कर लो, इससे आपको एक गाइड मिल जाएगी। सो यू कैन सी इन द वीडियो मैंने पहले अपने ब्राउज को नीचे से आउटलाइन किया है एंड देन ऊपर से आउटलाइन किया है। अभी मैं जहाँ मेरे ब्राउज में थोड़े से गैप्स है उसको फिल कर रही हूँ और जो मेरे ब्राउज की फ्रंट सेक्शन है उसको मैं थोड़े छोटे स्ट्रोक्स देके फिल कर रही हूँ। ऑफ कैमरा में मैंने अपने दूसरे ब्राउ फिल कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। इससे मैं अपने आई के बेस को रेडी करूँगी। सो इसको मैंने अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई कर लिया है और फिंगर से मैं कंसीलर को थोड़ी सी ब्लेंड कर दूँगी और जितने भी सारे प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उन सभी के शेड नंबर जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन कर दूँगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैं एक बार फिर से थोड़ी सी ब्लेंड कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू हेवन का ये लूज़ पाउडर। इससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी। गाइज़ ये लूज़ पाउडर मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में है, बिगिनर फ्रेंडली है, एफोर्डेबल आप कह सकते हो और ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। देन मैंने लिया है हुडा ब्यूटी की आई शेडो पैलेट। इसमें से जो दोनों शेड मैंने दिखाया इसमें से पहली शेड जो मैंने दिखाया है उसको लेके मैं एज ए ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ। अपने क्रीज लाइन के थोड़ी से ऊपर मैं इस शेड को अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद जो डार्क कलर का चॉकलेट शेड मैंने दूसरा शेड दिखाया था उसको लेके मैं आउटर वी से स्टार्ट करते हुए अपने इनर कॉर्नर्स तक लेके आऊँगी और इसको मैं अप्लाई करूँगी सिर्फ अपने क्रीज लाइन पे। देन मैंने ये लाइट कलर का ऑरेंज शेड लिया है और इससे मैं जो हार्श एजेस है ना इसको ब्लेंड करती जाऊँगी ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंडेड लगे। देन मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ये पैलेट। इसमें से ये डार्क चॉकलेट कलर शेड को पिक करके मैं सिर्फ अपने आउटर वी पे कलर को प्लेस करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे कोई ब्लैक कलर का शेडो भी यूज़ कर सकते हो। सो थोड़ा करके मैंने 2-3 बार कलर को पिक किया है और अपने सिर्फ आउटर वी पे मैंने कलर को प्लेस किया है क्योंकि मुझे अपने आउटर वी थोड़ी सी डार्क रखनी थी। उसके बाद ये दोनों जो शिमर कलर है एक है गोल्डन कलर की और एक है थोड़ी सी कॉपर कलर की। इन दोनों को पिक करके मैं अपने आई लिड पे इसको अप्लाई कर रही हूँ एज ए हाफ कट क्रीज। सो मैंने अपने ब्रश को थोड़ी सी वेट कर लिया है सेटिंग स्प्रे से, इसकी जो पिगमेंटेशन है और भी ज़्यादा हाई हो जाती है ऐसा करने से। देन ये जो लाइट पिंक कलर की शिमर शेड है इसको लेके मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ। सेम शेड को पिक करके मैं अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर रही हूँ। और गाइज जब भी आप आई मेकअप करोगे, मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ी सी टाइम लेकर करना, अदरवाइज़ आपके जो आई मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा पैची दिखती है, ब्लेंडेड भी नहीं दिखती है। सो थोड़ा सा टाइम लेकर अगर करोगे तो आपके आई मेकअप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन, मगर क्लिप मुझसे डिलीट हो गई, मुझे मिल नहीं रही थी। सो इसको मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से मैंने अप्लाई किया है। एंड देन मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये कंसीलर भी काफ़ी अच्छा है, आप इस कंसीलर को मीडियम टू ऑलमोस्ट फुल कवरेज कह सकते हो, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। सो इसको मैंने अप्लाई कर लिया है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे फेस की, लाइक माय अंडर एरिया, अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ माय नोज, क्यूपिड्स बो एंड चिन पे। और उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं फिर से कंसीलर को डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर दूंगी। सो ये कंसीलर्स बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होते हैं, मुझे बहुत पसंद है स्विस ब्यूटी के कंसीलर्स। सो सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद मैंने लिया है सेम लूज पाउडर, ब्लू हेवन का लूज पाउडर। उससे मैं पहले अपने अंडर आई एरिया को सेट कर लूँगी, ताकि यू नो अंडर आई एरिया में हमेशा जल्दी क्रीज आ जाती है। और उसके बाद मैं अपने स्माइल लाइन को भी अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि मेकअप करने की थोड़ी देर बाद अगर मैं अपने स्माइल लाइन को सेट ना करूं तो वहाँ पे भी क्रीज लाइन आ जाती है। एंड देन अपने नोज़ पे और थोड़ी सी फोरहेड पे भी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए मैं अपने पूरे फेस पे सेम लूज पाउडर को अप्लाई कर लूँगी, ताकि जो मेरी बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए। 30 सेकेंड्स मैंने पाउडर को अपने फेस पे रखा था। उसके बाद मैं एक पाउडर ब्रश की हेल्प से डस्ट कर रही हूँ पाउडर को। मेकअप रेवोल्यूशन का ये कॉन्टूर पैलेट मैंने लिया है, इसमें से इस शेड को पिक करके मैं अपने चीक बोन्स को बहुत अच्छे से कॉन्टूर कर लूँगी। इससे मेरी फेस बहुत ही ज़्यादा चिजल्ड और थोड़ी सी शार्प एंड डिफाइन दिखेगी। सो ब्राइडल मेकअप में ना कॉन्टूर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड देन ये जो ब्रॉन्ज़र शेड उन्होंने दिया है, इस शेड को पिक करके मैंने जहाँ पे कॉन्टूरिंग की थी उसके थोड़ी ऊपर अप्लाई कर लूँगी और थोड़ी सी अपने फोरहेड पे भी अप्लाई कर लूँगी। एंड ये ब्रॉन्ज़र जो शेड है ना, ये मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी शिमर पार्टिकल्स है, तो ये आपके स्किन पे एक ग्लो भी प्रोवाइड करता है। सो आप देख सकते हो इसने मेरे चिक्स को कितना ग्लोई बना दिया है। एंड देन सेम कॉन्टूर शेड को पिक करके मैं अपने नोज़ को भी थोड़ी सी कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। इससे मेरी नोज़ स्लिम दिखेगी और शार्प डिफाइन दिखेगी। उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ब्लशर पैलेट। इसमें से ये जो कलर मैंने दिखाया है, इस शेड को पिक करके एपल्स ऑफ माई चिक्स पे अप्लाई कर रही हूँ। ये ब्लशर पैलेट काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, सो जब आप इसको अप्लाई करोगे तो थोड़ा करके अप्लाई करना, अदरवाइज ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद अपने जो कॉन्टूरिंग का लाइन है उसको थोड़ी सी शार्प दिखाने के लिए इसकी एजेस को मैं इस तरीके से सेम लूज पाउडर से एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ। देन चलते हैं आई मेकअप की तरफ। सेम जो ट्रांजिशन कलर मैंने पहले ली थी उस कलर को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे 9 to 5 का आईलाइनर। इसको लेके मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। सो विंग को मैं थोड़ा सा बड़ा रखूँगी क्योंकि ऑफकोर्स ब्राइडल मेकअप मैं कर रही हूँ तो ब्राइड्स के अगर विंग बड़े बड़े हो तो अच्छा लगता है दिखने में। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेबेलिन का जेल लाइनर। इससे मैं अपने लोअर लैश लाइन को थोड़ी सी स्मज करूँगी। सो एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं काजल को अच्छे से स्मज कर रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन में। देन सेम जो शेडो मैंने पहले ली थी उस शेडो को फिर से लेके एक बार फिर से काजल के साथ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि सब कुछ अच्छे से ब्लेंड हो जाए। एंड देन अपने इनर कॉर्नर्स में मैं एक छोटा सा विंग ड्रॉ कर रही हूँ। ब्राइडल आइज़ में अगर आप इस तरीके से विंग ड्रॉ करोगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं आइज़। एंड देन उसके बाद मैंने लिया है लैक्मे का ये काजल। इसको मैं अपने वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी और अपने टाइड लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। ओडी फ्लेम का मस्कारा मैंने लिया है। ये मस्कारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपके लैशेस को बहुत अच्छे से सेपरेट करने में हेल्प करती है। सो इसको मैं अपने अपर लैशेस पे और अपने लोअर लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे। इससे मैं अपने पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी। देन सेम मेकअप रेवोल्यूशन की कॉन्टूर पैलेट में से हाइलाइटर शेड को पिक करके मैं अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट कर रही हूँ। और ये हाइलाइटर मैं पहले भी बोल चुकी हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करती है आपके फेस पे। सो इससे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई कर लूँगी, लाइक माई चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ माई नोज, क्यूपिड्स बो, थोड़ा बहुत चिन पे अप्लाई कर लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है रेड लिपस्टिक। मैंने पहले सोचा था कोई न्यूड कलर अप्लाई करूँ, लेकिन बाद में मैंने सोचा रेड कलर ही अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ब्राइडल मेकअप है। बट ये पूरा पूरी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई न्यूड कलर अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। आप न्यूड कलर भी अप्लाई कर सकते हो। सो ऑफ कैमरा में मैंने अपने लैशेस को पहन लिया है और अपनी आउटफिट और हेयर करके अभी आती हूँ। एंड हेयर इज़ माई फाइनल लुक गाइज। कैसी लगी मेरी ये आज की मुस्लिम ब्राइडल मेकअप लुक मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।